नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर दी शुभकामनाएं, कहा इस बार का अवसर खास। यूपी में अब किसान खेती के लिए करेंगे ड्रोन का इस्तेमाल, सरकार ने शुरू की नई सुविधा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला सैन्य और अग्निवीर हुए शामिल। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा, कहा अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा रहे राहुल गांधी। राष्ट्रीय त्योहार के बीच दिल्ली NCR के कई शहरों में बढ़े पेट्रोल डीजल के रेट। हिमाचल में फरवरी से राशन की दुकानों पर मिलेगा 15 किलो आटा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। महाराष्ट्र में भी बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना, फडणवीस के बयान से मिले संकेत। GST के खिलाफ व्यापारियों का भारी विरोध प्रदर्शन, कहा महंगाई और GST कम करे सरकार। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फिर लौटे डोनाल्ड ट्रंप, 2 साल बाद हटा बैन। दिल्ली CMLG और राहुल गांधी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश को मिला कोरोना के खिलाफ एक नया हथियार, आज भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन हुई लॉन्च। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू, घर घर पहुंचेगी राहुल की चिट्ठी, प्रियंका को मिली अहम जिम्मेदारी। टैक्सी के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकेगी कमर्शियल गाड़ियां, महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस पर बघेल सरकार का बड़ा ऐलान, युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। नहीं थम रहा टेक कंपनियों में छटनी का दौर, IBM ने 3,900 कर्मचारियों को किया बाहर। पठान के विरोध में देश के कई शहरों में प्रदर्शन, कहीं लगाई आग तो कहीं फाड़े पोस्टर। कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, करेंगे रोड शो और रैलियां। गेहूं के दामों में रिकॉर्ड उछाल से सरकारी खरीद को लगेगा झटका, MSP से 50% महंगा हुआ गेहूं। SBI के बाद IDBI बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, आज से महंगा हो गया कर्ज, बढ़ जाएगी आपकी EMI। कोरोना पर सच छिपा रहे जिनपिंग, दुनिया को चीन पर भरोसा नहीं। महंगाई से मिलेगी राहत, बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की तैयारी, आटे की बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। पहले ही दिन पठान ने की ताबड़तोड़ कमाई, तोड़े सारे रिकॉर्ड। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पंजाब के CM भगवत मान कल करेंगे 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन, सरकारी टीचर की लगी ड्यूटी। अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका, $1.1 बिलियन से अधिक की दी सहायता। BBC डॉक्यूमेंट्री पर सियासत, विवाद के बीच केरल कांग्रेस आज करेगी स्क्रीनिंग। साफ हुई दिल्ली की हवा, 3 महीने में सबसे कम प्रदूषण किया गया दर्ज, AQI लेवल रहा 160। यूपी के आगरा समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ हुई बर्फबारी। भारत में कोविड के 132 नए मामले आए सामने, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1900। देसी नहीं विदेशों में भी पठान ने उड़ाया गर्दा, एक दिन की कमाई 100 करोड़ के पार। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन TV से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।